हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी दुनिया में मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आपको घुमा के लाते हैं एक बहुत ही पवित्र और पावन स्थान पे। तो वीडियो में आप बने रहे हमारे साथ में। देखिए, हम लोग जो है गाँव की तंग गलियों से गुजरते हुए जा रहे हैं। कहीं नालियाँ हैं रोड के बीच में, कहीं उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, लेफ्ट राइट तंग गलियाँ, घुमावदार मोड़ हैं और गांव की गलियाँ हैं ये। देखिए दोनों तरफ जो है पेड़ लगे हुए हैं, खेत खलियान भी हैं। बाकी रोड जो है गवर्नमेंट ने अभी अच्छे बना दिए गाँव में भी। देखिए एकदम सीसी रोड बना हुआ है पूरा। कई जगह बड़ी हाल है क्योंकि बारिश का समय है। ये देखिए रोड पर पानी बह रहा है, गाय माता घूम रही है। तंग गलियाँ हैं, कहीं जगह रोड नहीं है बीच बीच में। और बच्चे स्कूल जा रहे हैं इस तरफ। देखिए इस बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सुबह का समय है, 7 बजे हैं। और ये देखिए गांव का तालाब है, पुराना तालाब, इसकी देखरेख नहीं है। कोई ज़माना में यहाँ से पानी काम में लेते होंगे पीने और उस काम के लिए। अब बड़े बुरे हाल है, कोई देखरेख नहीं इनकी, कोई प्रशासन या गाँव वाले कोई देखरेख नहीं करते, इसलिए हाल ख़राब है। ये गाँव से हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं, गांव का अंतिम छोर आ गया है। दोनों तरफ जो है बम्बूल के पेड़ उगे हुए हैं। अभी सभी जगह बम्बूल ही रह गया है गांव के अंदर, पुराने पेड़ वगैरह सब खत्म हो गए हैं लोगों ने। ये देखिए अब यहाँ से हम लोग जो है मेन रोड जो है मुख्य मार्ग उस पर जाएंगे। यहाँ भी देखिए रोडों का बुरा हाल है, बीच में कोई रोड ही नहीं है, बीच में से खड्डे खुदे हुए हैं, दो साइड में रोड है, बीच में नाली बन टाइप में बना रखा है। ये हाल बुरा हाल है, पानी पानी फैला हुआ जगह जगह। ये कुछ काम भी चल रहा है सीवरेज का, यहाँ पे देखो खड्डे खोद रखे हैं, पाइप डाल रखा है। धीरे धीरे प्रोग्रेस में है ये क्षेत्र। देखिए रोड जो है गाँव में सब जगह आजकल अच्छे हो गए कई जगह तो, बाकी कुछ कुछ अभी काम बाकी है, विकास हो रहा है धीरे धीरे, सभी जगह कार्य चल रहे हैं। ये बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में हैं सब जगह, क्योंकि मॉर्निंग का समय है, सुबह के 7 बजे बज रहे हैं। और ये हम लोगों ने मुख्य मार्ग ज्वाइन कर लिया है। देखिए हाल खराब है मुख्य मार्ग का भी, खड्डे वड्डे हैं बहुत, बारिश से बड़ा बुरा हाल इस रोड का भी। ये मुख्य मार्ग है, ये हमने मुख्य मार्ग पे देखिए इंडियन वाले भाई साहब बिना दिए घूम गए। रोड पे जो है अभी गाड़ी थोड़ी फास्ट चल रही है। यहाँ से हम जाएंगे एक देव स्थान पे, जो आप लोग बने रहे साथ में और आप सभी को दर्शन कराते हैं, बहुत ही मनोरम और मधुर अच्छे दर्शन भक्ति भाव के साथ में। तो चलिए साथ बने रहें। देखिए रोड पर पानी यहाँ भी भरा हुआ है, बारिश के समय में रोड के बुरे हाल हो जाते हैं सभी जगह। देखिए यहाँ पे भी स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, इस रोड पे काफ़ी स्कूल हैं तो सभी बच्चे जो स्कूल के लिए निकले हुए हैं। देखिए स्कूटी पर मोटरसाइकिल पर सभी बच्चे जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं। ये सामने जो गेट दिख रहा है इसके पास से, यहाँ से हम लोग जो लेफ्ट टर्न लेंगे, लेफ्ट टर्न लेके ऊपर जाएंगे। ये हम पहुँच गए हैं मंदिर परिसर के पास में। चलिए दोस्तों चलते हैं मंदिर के अंदर। ये देखिए मंदिर पे ऊपर झंडे लहरा रहे हैं भगवान के, ये मंदिर है। देखिए वो पीछे गौ माता जो है विचरण कर रही है, चारा चल रही है, हरियाली हो गई यहाँ पर। देखिए यहाँ भी गौ माता है, अपना भोजन कर रही हैं। देखो तो छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है मंदिर, ये रास्ता है। चलिए चलते हैं अपन मंदिर के अंदर, चलिए आप हमारे साथ में, आपको दर्शन करवाते हैं।
बच्चे जाए आए हैं मंदिर जा करके देखिए तो छोटे छोटे बच्चे दर्शन करके भगवान के सुबह सुबह। ये सामने जो टेंट नज़र आ रहा है यहाँ से राइट पे जाके मंदिर का मुख्य द्वार है दीवार के पास से। अभी यहाँ पे रास्ता कच्चा ही या हम लोग मंदिर परिसर के समीप आ गए हैं। ये सामने देखिए बाबा रामदेव जी महाराज का पोस्टर लगा हुआ फोटो में दीवार पे। ये मुख्य मार्ग है मंदिर का मुख्य दरवाज़ा। ये दरवाज़ा नहीं वो खुला ही है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कुछ भजन की संध्या थी रात को जो साउंड वगैरह लगा हुआ टेंट लगा हुआ है और कालीन वगैरह बिछे हुए हैं कुर्सियाँ रखी हुई है इधर। और ये स्थान है लोक देवता श्री वीर तेजाजी महाराज जी का। जय हो तेजाजी महाराज की। तेजाजी महाराज जो है उसको सभी पूछते हैं तेजाजी महाराज की जय हो। देखिए और ये कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे। सामने भी एक मंदिर है यहाँ। यहाँ रात में जो है भजन कीर्तन हुए थे और आज हुआ यहाँ पे भंडारा प्रसादी। ये मंदिर है पास में जो है धर्मशाला बनी हुई है यहाँ पे रेस्ट करने के लिए भवन बना हुआ है रेस्ट के लिए आराम विश्राम के लिए। और ये सामने देखिए बाबा रामदेव जी की सुंदर और अति मनोरम दृश्य मूर्ति जो है घोड़े पे सवार हैं बाबा रामदेव जी महाराज जो कि भगवान विष्णु जी के अवतार हैं श्री विष्णु हरि जी के अवतार बाबा रामदेव जी महाराज। देखिए पीछे खड़े हैं ये चंवर बोलते हैं हाथ में जो है चंवर डुलाते हुए हरजी भाटी जी। श्री रामदेव जी महाराज जी का मंदिर है। देखिए गुब्बारों से और बांदलवाल से जो सुंदर सजावट की हुई है फूल वगैरह लगाए हुए हैं माला से। आप सभी दर्शन करें और आपकी जो भी मनोकामना हो अवश्य मांगे बाबा से। बाबा अवश्य सुनते हैं भक्तों के लिए सदैव हाजिर रहते हैं बाबा। सभी लोग दर्शन करें और दर्शन लाभ लें और अपने जो भी मनोकामना है वो उसे मांगें। ये जो है इनकी बहनें उनकी मूर्तियां हैं डाली भाई सुगना भाई और सभी की। बाबा जो है रामदेव जी महाराज ने जो है भेदभाव और ऊंच नीच का जो है ये सभी कुछ मिटाया था और कलयुग के अंदर खूब परिचय दिए थे तो सभी मानते हैं बाबा रामदेव जी महाराज को। दूर दूर तक से लोग आते हैं। और सुबह सुबह जल्दी मतलब जा गया दर्शन करने तो आज जो बाबा के जो प्रथम जो है भोग जो है मेरे ही द्वारा लिखा था जो हुआ। यहाँ पे भी दो अंदर समाधियाँ बनी हुई हैं और ये बाहर बड़ा विशाल नीम का पेड़ है छायादार। बहुत पहले छोटा स्थान था यहाँ पे धीरे धीरे काफ़ी बड़ा कर दिया है और अच्छा कर दिया है व्यवस्था अच्छी हो गई है क्योंकि इस आसपास क्षेत्र से बरसों से मेरा नाता रहा है क्योंकि यहाँ पास में सीआरपीएफ कैंपस है हमारा गाँव में 1983 से 86-89 तक तो यहाँ आना जाना रहता था। और पीछे नज़र आ रही है देखिए आपको सुंदर और मधुर झील जो कि फायसागर झील है। फायसागर झील के जो है पास में ही है ये मंदिर। देखिए बाबा घोड़ा है काफ़ी विशाल बड़ा घोड़ा। और सामने जो मंदिर नज़र आ रहा है उसमें आपको ले के चलते हैं दर्शन करवाते हैं। बने रहे आप वीडियो में। ये सामने जो मंदिर है ये है बालाजी महाराज का तो चलिए आपको दिखाते हैं दर्शन कराते हैं बालाजी महाराज के भी सामने। जय हो बालाजी महाराज की। जय हो। पर्वत उठाए हुए हैं बालाजी महाराज अपने एक हाथ में।
जय श्री राम, जय हो बालाजी महाराज की। सभी के संकट हरे, दुख दूर करें, बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे आप सभी पे। और ये देखिए फाई सागर झील का सुंदर और मधुर नज़ारा। पानी अभी इसमें 23 फीट आ गया है, लेकिन पानी फिर भी कम है, क्योंकि हम जब यहाँ आते थे बरसों पहले, बचपन की बात है, तब ये यहाँ से लबालब भरा रहता था। दूर तक इसका फैलाव है, विस्तार है पहाड़ों के आगे तक। ये अभी काफ़ी खाली है, ये सारा क्षेत्र जो पानी से भर जाता था। और ये जो है चादर है, इसको बोलते हैं गेट लगे हुए हैं, देखिए लोहे की। यहाँ इस चादर के ऊपर पानी चलते हुए देखा हुआ मैंने बचपन में, अभी तो पानी इतना आया नहीं। और सामने दूर देखिए नज़र आ रहा है, वो है भोलेनाथ का मंदिर। कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर वहाँ के दर्शन कराएंगे, और फाई सागर के जो है आगे भी आपको दिखाएंगे वीडियो में। बहुत ही सुंदर नज़ारा, पहले से काफ़ी डेवलप हो गया है। और ये मंदिर परिसर के पीछे का भाग है, और सामने अरावली पर्वतमाला है। बहुत ही हरियाली हो रही है बारिश के कारण, काफ़ी समय बाद इसमें पानी अच्छा आया है। वैसे हमने तो बचपन में इसको फुल भरा हुआ देखा था, और ये इस झील से जो है बरसों पूरे शहर को पानी पीने के लिए सप्लाई होती थी, लेकिन अब देख रेख नहीं है प्रॉपर और प्रशासन की, तो क्या ही कहें। पानी की आवक भी कम हो गई इसमें, क्योंकि आगे कई जगह जो है पानी की जो आने के रास्ते थे वो अवरुद्ध हो गए, तो इसके कारण से पानी भी कम आता है। नहीं तो कोई समय में यहाँ से पूरे शहर को पानी सप्लाई होती थी, बरसों सप्लाई हुई है यहाँ से। यहाँ पास में समीप में भी जो नज़र आ रहे हैं, देखिए उन जो यहाँ पे दो कल्प वृक्ष हैं, उनके भी दर्शन कराएंगे आपको कभी नेक्स्ट समय। अभी वापस जो है रवानगी यहाँ से घर की ओर, ये आ गए हैं देखिए हम। रास्ता वही है पर कुछ शॉर्टकट लिया है हमने, ये थोड़ा क्योंकि बीच में रास्ता ख़राब था, तो शॉर्टकट लेकर के हम लोग डायरेक्ट जो है गांव के अंदर एंटर हो गए हैं। रे गांव क्रॉस करके फिर जो है सिटी शुरू हो जाएगी। गांव का रोड है, कई जगह पानी यानी भरा हुआ है बारिश के कारण। ये देखिए यहाँ भी पानी भरा हुआ है, काई जमी हुई है। और ये तालाब है गांव का, इसकी प्रॉपर देख रेख नहीं है, जो बड़े बुरे हाल हैं। गांव में पंच सरपंच वगैरह जो होती है, सरपंच पंचायत होती है, उनको देख रेख करनी चाहिए। गांवों के अंदर बहुत देख रेख नहीं है आई थिंक, जो तभी ये हाल है। पूरा देखिए हरा हरा हो रहा है, काई जमी हुई है।